बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैफ़ा अमृत और आज मैं आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बनाएंगे दूध वाली सेवइयां। तो इसके लिए हम पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमारे पास है आधा किलो सेवइयां बारीक वाली, 3 किलो दूध, अखरोट, बादाम, पिस्ता, घर का तैयार करदा देसी घी, गिरी चीनी छुआरे, घर का तैयार करदा देसी घी, काजू, इलायची पाउडर, 100 ग्राम खोया, किशमिश, पिस्ते, बादाम, अखरोट। सबसे पहले हम पतीले में घर का तैयार करदा देसी घी डालते हैं। अब हमने देसी घी में सेवइयां तोड़कर डालनी है। ये मैंने 1/2 kg सेवइयां ली हैं। अब हमने इन्हें मिक्स कर लेना और इन्हें फ्राई कर लेना अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इन्हें दूध में डाल लेना है। देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैं 30 ग्राम यूज कर रहा हूँ। मैं 30 ग्राम चीनी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास खोया है, और अगर आप भी खोया यूज कर रहे हैं तो आप भी इतनी यूज कर रहे हैं, वरना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं चीनी। फ्रेंड्स, अब खोपरा डालेंगे। 10 छुआरे लिए हैं, छुआरे डाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें सिर्फ किशमिश, खोपरा और बादाम भी ऐड कर सकती हैं। मैंने मौसम और टेस्ट के हिसाब से सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं हमारे दूध में भी वाला आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें बादाम डाल लेते हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए 1/2 चम्मच सब्ज इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इलायची पाउडर डालने से खुशबू अभी से आने लग गई है। अब हमने इसमें तकरीबन 20 किशमिश डालनी है, ये भी टेस्ट के लिए डाल रहे हैं हम। अब हम इसमें पिस्ता डाल लेते हैं, अखरोट की गिरी तकरीबन 20 ग्राम ये भी। अब फ्रेंड्स, हम इसमें काजू डाल लेते हैं। अब हमने सबसे लास्ट में इसमें खोया डालना है, और खोया डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारी दूध वाली सेवइयां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसे ढाक देना है और चूल्हे को बंद कर देना है। इसे हमने 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है ढाक के। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। कलर चेक करें आप, कितना जबरदस्त है, पिंक कलर आया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये डिश आउट हो गई, अब बहुत ही मज़ेदार लग रही है दिखने में। अब हम इसमें काजू, पिस्ता और बादाम की गार्निशिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं गार्निश कर लिया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। अब मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक सी बनी है हमारी सेवइयां। बहुत मज़े किए हैं। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक यूनिक और डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। आप इसी तरह से तैयार करें
और ईद त्यौहार पर अपने गेस्ट को तैयार सर्व करें। घर में बच्चों के लिए तैयार करें, बहुत अच्छी चीज है, खाने के लिए हेल्थी भी है, टेस्ट भी अच्छा है, तो बच्चे शौक से खाते हैं, हेल्थी चीज है। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ फ्रेंड्स। मैं ग्रेड 10 का स्टूडेंट हूँ, सुबह स्कूल जाता हूँ, शाम को एकेडमी, तो उसके बाद 8:30 बजे मुझे एकेडमी से घर पे आता हूँ, तो उसके बाद मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपीज को मेरी घर पर ज़रूर ट्राई किया करें, और मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करके बताया करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।